सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फुल फ्रेंच होता कैसा है। ये देखें, अब मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नूर लैंड्स क्रिएशन में एक बार फिर आप सबका खुशामदीद। और आज मैं आपको सिखाऊंगी फुल फ्रेंच, जिसको आपकी मर्ज़ी है कि आप हाफ भी कर सकते हैं और इट्स योर डिपेंड कि आप उसको फुल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फुल सिखाऊंगी ताकि आप हाफ भी खुद कर लें और अगर फुल करना चाहते हैं तो उसको फुल भी बना लें। लेट्स स्टार्ट। तो ये देखें, सबसे पहले हम ये यहाँ से बाल उठाएंगे थोड़े से। एक साइड तीन हिस्से करेंगे इन बालों के, ठीक है। एक राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, और ये तीसरा राउंड हो गया। ठीक है, अब हम साइड से बाल लेना शुरू करेंगे। ये देखिए, इतने बार लेंगे हम एक साइड से, इतने ही बार लेंगे हम दूसरी साइड से। इसको इसके साथ जॉइन कर देंगे। बंदर क्या जाओ। अब इतने ही बार हम यहाँ से लेंगे, अगर आप में शौक होगा तो आप मेरी वीडियो से सीख जाएंगे, और अगर आपको शौक नहीं है तो आप सेंटर जाएंगे ना, वहाँ सीखेंगे, तो तब भी आप नहीं सीख सकते। अब ऐसे ही हम साइड से बाल लेते जाएंगे, और आप ध्यान रहे आपकी ये जो पीठ की लड़ी है ये बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए। ये देखें, सेम रूल्स फॉलो करके हमने हाफ फ्रेंच बना ली है। ये देखें, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको हाफ ही रखें या फुल कर दें। मैं आपको फुल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, हमारा ये हेयर स्टाइल कंप्लीट होने वाला है। तो आप
ये भी कर सकते हैं कि जो नीचे बाकी के हेयर्स बचे हैं इसको ऐसे कवर करके, या पोनी या कोई स्टाइलिश क्लिप आप वो भी लगा सकते हैं, और ये बाकी हाफ बाल आप खुले छोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। आप जितना अच्छा चाहें ना उतना अच्छा इसको और तरीके से बना सकते हैं। ये देखें हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। ये देखें ये देखें साइड से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें इसकी अलग अलग लेयर्स। सो व्यूवर्स, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा, और अगर आप मज़ीद और हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।